और जी क्या हाल चाल है? बढ़िया, आप लोग बढ़िया? तो मैं भी बढ़िया। तो मैं हूँ आपका शैल शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली वाला राइडर। अभी हो रहे हैं रात के ऑलमोस्ट 12:30 और मैं चेक कर रहा था अपने DMs एंड कुछ म्यूज़िक ढूंढ रहा था, नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक अपने आने वाले व्लॉग्स के लिए। तो लास्ट वीडियो के बाद मेरे पास बहुत सारे DMs आए कि मैं अपनी स्क्रीन को किस तरीके से रिकॉर्ड करता हूँ। जो ट्यूटोरियल मैंने शूट करे थे प्रीमियर प्रो के, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाके ज़रूर देखिएगा। तो मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछ रहे थे कि मैं किस तरीके से अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन को रिकॉर्ड करता हूँ। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि किस तरीके से अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कोई नया सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करने वाले, ये सॉफ्टवेयर मोस्टली आप लोगों के डेस्कटॉप में ऑलरेडी अवेलेबल होगा। इस सॉफ्टवेयर का नाम है VLC मीडिया प्लेयर। हाँ जी, ये है VLC मीडिया प्लेयर एंड आप में से बहुत सारे लोग VLC को ऑलरेडी यूज़ कर रहे होंगे। VLC बेसिकली यूज़ होता है वीडियो फाइल्स को प्ले करने के लिए, MP3 या मीडिया फाइल्स को प्ले करने के लिए। तो अगर आपके सिस्टम में VLC मीडिया प्लेयर अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ है, आपने डाउनलोड नहीं किया है इससे पहले, तो सबसे पहले हम करने वाले हैं VLC मीडिया प्लेयर को डाउनलोड। VLC मीडिया प्लेयर को डाउनलोड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम खोलेंगे अपने सिस्टम का ब्राउज़र, अपने डेस्कटॉप पर जाएंगे, ब्राउज़र में हम सर्च करेंगे VLC, और सबसे पहला ऑप्शन हमें जो दिख रहा है VLC ऑफिशियल साइट, उस पर क्लिक करेंगे। VLC ऑफिशियल साइट पे आपको बटन दिख रहा होगा डाउनलोड VLC का, इस पर क्लिक करेंगे। हम क्लिक करेंगे सेव फाइल पे और अपने जो भी डिजायर्ड लोकेशन है, जैसे कि मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे मैं क्लिक कर दूंगा सेव और मैं इस फाइल को डाउनलोड कर लूँगा। इस फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपको करना है VLC मीडिया प्लेयर को इंस्टॉल। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल्ड है तो मैं इंस्टॉलेशन नहीं करने वाला इसका। VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल होने के बाद तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे VLC मीडिया प्लेयर। टॉप मेन्यू में हम क्लिक करेंगे मीडिया पे, मीडिया के अंडर हम क्लिक करेंगे ओपन कैप्चर डिवाइस। ओपन कैप्चर डिवाइस में जो पहला स्टेप हमें करना है वो है कैप्चर मोड सिलेक्ट। तो हमें डेस्कटॉप स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है तो हम कैप्चर मोड के ड्रॉपडाउन में सिलेक्ट करेंगे डेस्कटॉप। जो सेकंड मेजर स्टेप है वो होने वाला है कि हमें फ्रेम रेट डिफाइन करना है कि हमारी जो डेस्कटॉप की स्क्रीन है वो किस फ्रेम रेट से रिकॉर्ड होगी। मैं यूजुअली 10 से 15 के बीच में रखता हूँ जो डेस्कटॉप जो रिकॉर्डिंग का FPS है, बट आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, 25, 30, 35, 40 भी आप कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप क्या रिकॉर्ड करने वाले हैं। अगर आप कोई गेम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई एक्शन सीन या एक्शन सीक्वेंस आप रिकॉर्ड कर रहे हैं डेस्कटॉप पे से, तो आप ज़्यादा FPS भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा स्टेप हमारा होने वाला है, हम क्लिक करेंगे प्ले के साथ जो एरो दिख रहा है डाउनवर्ड्स, उस पर और क्लिक करेंगे कन्वर्ट पे। कन्वर्ट स्क्रीन पे हम डिफाइन करेंगे कि हम स्क्रीन को किस तरीके से रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कौन सा प्रीसेट, कौन सा कोडेक हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे प्रोफाइल पे। प्रोफाइल में ड्रॉपडाउन में ऑलरेडी बहुत सारे प्रीडिफाइंड प्रोफाइल्स अवेलेबल होते हैं, हम क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे। मेरे को जो सबसे अच्छा लगता है वो है MP4 MOV, आप MPG TS भी सिलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आप किस तरीके से स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। सेकेंड टैब है वीडियो कोडेक का। वीडियो कोडेक में हमारा कोडेक ऑलरेडी H.264 सिलेक्टेड है, हम इसमें कुछ नहीं चेंज करेंगे। ऑडियो कोडेक में अगर आप ऑडियो भी स्क्रीन के साथ रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ऑडियो को आप चेक कर देंगे, बट मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में जब भी स्क्रीन रिकॉर्ड करी है तो ऑडियो कैप्चर नहीं हुआ है। अगर आप स्पेसिफिकली ऑडियो भी साथ में कैप्चर करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई सा भी साउंड रिकॉर्डर आप अपने डेस्कटॉप में डाल लें और उसके थ्रू ऑडियो रिकॉर्ड करें, क्योंकि आई थिंक जब VLC स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा होता तो ऑडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाता। तो इसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव पे। सेव पे क्लिक करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो होगा कि हमें ये डिफाइन करना है कि जो हम स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं ये कहाँ पे सेव होगा। तो डेस्टिनेशन फाइल में हम डिफाइन करेंगे इसका डेस्टिनेशन कहाँ पे इस फाइल सेव होने वाली है। मैंने डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लिया और हम फाइल का नाम डिफाइन करेंगे। तो हम फाइल का नाम रखते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग, यानी कि फाइल का नाम डिफाइन करने के बाद क्लिक करेंगे सेव पे, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे स्टार्ट पे तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं नीचे VLC प्लेयर में काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, 5 सेकंड 6 सेकंड आप नीचे देख सकते हैं। अब जो भी मैं अपने डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड कर रहा है VLC प्लेयर। लेट्स से मैं अपना YouTube चैनल ओपन करता हूँ। तो जो कुछ भी मेरे डेस्कटॉप पे अब ओपन होगा वो VLC मीडिया प्लेयर के थ्रू रिकॉर्ड होने लगेगा। अगर आप रिकॉर्डिंग को बीच में पॉज कर देते हैं तो रिकॉर्डिंग वहीं पे पॉज हो जाएगी और फिर से प्ले करने पे वहां से रिज्यूम हो जाएगी। और जब आपको लगता है कि आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है तो आप VLC मीडिया प्लेयर को ओपन करें और जस्ट क्लोज कर दें। जैसे ही आप VLC मीडिया प्लेयर को क्लोज करेंगे आपकी जो फाइल है वो आपके डेस्कटॉप पे
रिकॉर्ड होके सेव हो जाएगी। तो चलिए एक बार इस फाइल को प्ले करते हैं और देखते हैं क्या रिकॉर्ड हुआ है। तो आप VLC मीडिया प्लेयर को यूज़ कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एनी पेड सॉल्यूशन, कोई भी पेड सॉफ्टवेयर परचेज करने से अच्छा है कि आप फ्री में VLC मीडिया प्लेयर के थ्रू अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो और यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए लाता रहूँगा इसी तरीके की अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। तो इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग को क्लोज। तो मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो।